हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर। घर पर आप मिनटों में पनीर बना के रेडी कर सकते हैं। तो जल्दी देख लेते हैं इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है, 1/2 लीटर ऐड कर लिया पतीले में, और 1/2 लीटर मैं और ऐड कर लूँगी और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। और दूध में कुछ मलाई थी वो भी उसमें ऐड हो गई है, तो इसे मैं बॉइलिंग के लिए रख दूंगी। एक अच्छा सा बॉईल आ जाए हमें इसको गैस पे रख देना है। और उसके बाद तैयारी करनी है इसे दूध को फटाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे विनेगर का यूज़ कर रही हूँ। 2 से 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर यूज़ किया है, उतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जितना मैंने विनेगर लिया है उतना ही हमें पानी लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से 2.5 चम्मच मैंने विनेगर लिया है। आप यहाँ पे नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं अगर विनेगर नहीं है तो, और उसमें पानी ऐड कर लीजिए और उसको आप दूध में ऐड कर लीजिए। और यहाँ बॉयल आने लग गया है दूध, अभी प्रॉपर आया नहीं है, तो दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पनीर खाने का मन है लेकिन मार्केट जाने का मन नहीं है, तो झटपट आप अगर दूध रखा है तो मिनटों में आप पनीर बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ दूध में बॉइलिंग आ चुकी है, गैस को कर दूंगी बंद और इसे कुछ इस तरीके से करछी से चलाते हुए हल्का सा कूल डाउन करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही 2-4 बार आप करछी को चला लीजिए। बस करछी को चलाते ही तो थोड़ा बहुत दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी। विनेगर आपको एक बार में ही सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और चारों हर तरफ से इसे ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए मैंने सभी तरफ से थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे एक बार चला लेंगे। इससे पनीर आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इस तरीके से अच्छे से घुमाते हुए आपको दिखने लगेगा कि जो पनीर है छोटी छोटी उसकी दूध में बनने लगी हैं, पनीर सॉलिड फॉर्म में आने लग गया है, इकट्ठा होने लग जाता है। और बाकी बचे लिक्विड को भी वो मैं इसी तरीके से इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और अब अच्छे से इसे चला लेंगे। आप ये देखिए थोड़ा थोड़ा पनीर अब बनते हुए आपको दिख जाएगा। और ये अब मैं गैस को ऑन कर लूँगी फिर से, जिससे कि विनेगर रखा हुआ दूध अच्छे से अपने पानी को अलग करे और पनीर को इकट्ठा कर दे। एक बार दोबारा से गैस ऑन कर लूँगी और ये देखिए दोबारा से इसमें बॉइलिंग आने लग गई है और पनीर अब इकट्ठा होने लग जाएगा। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले बहुत छोटे छोटे पीसेस पनीर के बन रहे थे, अब जैसे ही मैंने गैस ऑन किया दूध और पनीर, सॉरी पानी और पनीर अलग अलग होने लग गया है। और इसके एक बार थोड़ा बॉइलिंग आ जाए, गैस ऑन कर देनी है। एक बार बंद करने के बाद जैसे विनेगर वगैरह हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद गैस अब दोबारा मैंने ऑन की है और साइडों से भी इसे इसी के अंदर में। और अब देखिए कितना ज़्यादा ये पनीर बनने लग गया है, इकट्ठा होने लग गया है। जैसे ही दूध में एक हल्का सा बॉयल आ जाए पानी, अब देखिए जो मिल्क दिख रहा था वो अब पानी में कन्वर्ट हो चुका है और सारी पनीर इकट्ठा हो गया है। इसी तरीके से आप झटपट अपने घर में जब मर्जी मन करे तब आप पनीर बना के रेडी कर सकते हैं। और पनीर बहुत ही अच्छी मात्रा में बन रहा है। बॉयल आने के बाद गैस को कर दूंगी बंद। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है, अब कर दूंगी गैस को बंद। पानी अलग हो चुका है, पनीर एक अलग हो चुका है। तो गैस को बंद करने के बाद बस अब इस ये हमारा पनीर झटपट बन के रेडी हो गया है। मैं बना रही थी पालक पनीर पर देखा कि मैं तो पनीर लाना भूल ही गई। तुरंत मुझे याद आया घर में दूध का पैकेट पड़ा हुआ है, तो चलिए
पनीर ही बना लिया जाए और उसकी वीडियो मैं आपके यहाँ शेयर कर दूँ। और ये देखिए पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, पनीर अलग हो चुका है। तो आपको किचन टावल में किसी भी स्टेनर के ऊपर किचन टावल रख लीजिए और उसके नीचे कोई पतीली वगैरह रख लीजिए, जिससे कि गर्म पानी एकदम सिंक के पाइप में ना जाए। तो किसी पतीली रख लीजिए और उसके ऊपर स्टेनर रख कर कुछ किचन टावल रख लीजिए और उसमें ये सारा ही इसमें ऐड कर लीजिए। गर्म है तो सावधानी से, तो पहले मैंने करछी से ही इसको इसमें डाला है, उसके बाद मैं पूरी ही पतीली का सारा इसमें ऐड कर दूंगी। आपके एक किलो दूध में 200 या 250 ग्राम पनीर बन जाता है आराम से। तो आप इस तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी मिल्क यूज़ करें, चाहे आप काओ मिल्क यूज़ करें, चाहे बफेलो में कुछ भी मिल्क यूज़ करें, आप घर पर इसे बना के रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ही सारा ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी हमने विनेगर डाला था तो ये थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसे हमें 2 से 3 बार कम से कम इसे अच्छे से एक बार क्लीन कर लेना है, जो कि इसका जो खटास है वो निकल जाए। एक बार पानी इसमें अच्छे से स्पून से चला लीजिए इस तरीके से, और मैंने एक बार मतलब 2 से 3 बार आपको कम से कम इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि अभी अगर आप टेस्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा खटास लगेगी, क्योंकि हमने इसमें विनेगर का यूज़ किया है। और अगर हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं 2 से 3 बस इसी तरीके से स्पून से चलाते हुए, क्योंकि पनीर अभी गर्म है, कूल डाउन भी हो जाता है, और 2 से 3 बार इसे इसी तरीके से चला लीजिए। अच्छे से वॉश होने के बाद इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं रहता है। और ये देखिए सारा ही पनीर, अब आप इसे टेस्ट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी खटास नहीं होगी और आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं और 2 से 4 दिन या उससे भी ज़्यादा आप इसे इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसे स्क्वीज करते हुए निचोड़ लेना है, स्क्वीज कर लीजिए इसे और सारा ही पानी इसका निकल जाए, जितना भी एक्सेस वाटर है। उसके बाद इसे किसी भारी सरफेस पे, किसी भी बर्तन पे, कोई भी भारी सरफेस इसके ऊपर रख लीजिए, कोई भी हैवी बर्तन रख लीजिए, जिससे कि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। मैंने किसी प्लेट पे रख कर इसे इसके ऊपर चकला, जो रोटी बेलने वाला होता है, वो रख लिया था, जो कि इसका एक्सेस पानी निकल जाए, वैसे पानी नहीं था। और ये देखिए बन के रेडी है। घर पे आप जब मर्जी पनीर बना के रेडी कीजिए। यहाँ मैंने आप किचन टेबल का यूज़ किया, आप कोई कॉटन क्लॉथ जो होता है उसमें भी रख के यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको पीसेस कट करके दिखा देती हूँ। मैंने इसे गोल शेप दी है, आप इसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप दे सकते हैं पनीर को। और ये देखिए बहुत ही मार्केट से भी बढ़िया आपका पनीर बन के रेडी होगा। मैं सब्जी बनाने लगी थी लेकिन मुझे याद आया कि मैं तो मार्केट से पनीर लाना भूल ही गई, तो झटपट मैंने इसे बना के रेडी कर लिया। और इसे आप फ्राई कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये पनीर एज इट इज़ जैसे आप बाहर से लाते हैं उससे भी बेटर ही रहेगा। तो यहाँ मैंने मिनटों में पनीर बना के रेडी किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।